इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम हेक्सोपोर्स के अंदर दो इम्पॉर्टेंट फिन डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन और थर्मोजेनेसिस। थर्मोरेगुलेशन जो भी इंसेक्ट्स फ्लाइंग हैं उनके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको फ्लाइंग के दौरान अपनी बॉडी को वार्म करना होता है वार्मिंग के लिए या तो वो सूरज का सहारा लेंगे या वो रेस्ट करेंगे फिर वार्मर सरफ़ेसेस पर बिकॉज दे यूज़ और ये जो है इनके एक्सटर्नल हीट के सोर्स होंगे इनको ये यूज़ करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स इस तरह के जब ये एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करेंगे अपने टेम्परेचर को रेगुलेशन कर रखने के लिए तो इनको हम कहेंगे एक्टोथर्म्स कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे मौत अल्पाइन बम्बल बीस बीटल्स ये नॉर्मली हीट को जनरेट करेंगे बाय रैपिड कंट्रेक्शन ऑफ देयर फ्लाइट मसल्स और इस प्रोसेस को हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस अब जो मेटाबॉलिक हीट इस तरीके से जनरेट होगी दैट कैन रेज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ थ्रेसिक मसल्स फ्रॉम ज़ीरो से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी अब कुछ इंसेक्ट्स जो हैं दे आल्सो रिलाय टू आ लिमिटेड एक्सटेंट ऑन मेटाबॉलिक हीट सोर्सिस और फिर उनके अंदर उतनी ही टेम्परेचर की वेरिएशन होगी और ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहेंगे हेट्रोथर्म्स इंसेक्ट्स जो हैं अगर अपने आप को अपनी बॉडी को वो हीट कर सकते हैं तो इनके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि अपनी बॉडी को कूल cool डाउन कर सकें अब कूल cool डाउन करने के लिए ये क्या करेंगे दे नॉर्मली सीक द मॉइस्ट कूल हैबिटेट्स अब हनी बीज जो है नॉर्मली अपने छत्ते के अंदर हाइव के अंदर हनी बी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि अपनी ये विंग्स बीट को हाइव uh, अपने हाइव के अंदर अपनी ये विंग्स को कंटिन्यूसली बीट करती हैं उस बीटिंग से क्या होगा कि एट द एंट्रेंस ऑफ हाइव उनका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और जो, जो इनके बीटिंग से जो कूल एयर होगी वो अंदर चली जाएगी और वहाँ से हॉट एयर जो है वो बाहर की तरफ आती जाएगी तो ये एंट्रेंस पे कंटिन्यूसली अपने विंग्स को बीट करती रहेंगी और हाइव के अंदर जो है इसका टेम्परेचर कूल डाउन रहेगा दिस इज़ द थर्मोरेगुलेशन थर्मो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नॉर्मली वी कैन सी हेयर हाउ दिस थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस जनरेट्स यहाँ पे आप देखें दिस इज़ डब्ल्यू ई अवेपोरेटिव कूलिंग सरफेस मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन हो रही है जब मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन होगी तो इसके साथ ही शॉर्ट वेव की ट्रांसफ़र होगी कन्वेक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और इसमें जो लॉन्ग वेव्स हैं दे आर आल्सो ट्रांसफर्ड सो थ्रू दिस कन्वेक्शन एंड कंड प्रोसेस ऑफ थर्मो इट वर्क्स एंड इट इज़ ऑल्सो helpful in the shivering thermogenesis.